शख्स मैं हमेशा से ना लाइफ में थोड़ी एक्स्ट्रा रही हूँ, बट मैंने अपनी ये एक्स्ट्रानेस दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश करी है। मेरा एक्स्ट्रा साइज, मेरी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी या मेरा एक्स्ट्रा एम्बिशन, सोसाइटी हो या स्किनी जीन्स, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फिट इन। बट मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जैसी हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ और मेरा एक्स्ट्रा ही मेरा एक्स फैक्टर है। तो स्किनी जीन्स को किया स्किप एंड चंकी ज्वेलरी से मैंने किए अपने लुक्स को एलिवेट। बट मुझे नहीं पहनी थी बाजार में मिलने वाली वो बेसिक महंगी और मासी ज्वेलरी, तो अपने एक्स फैक्टर के साथ मैंने शुरुआत करी अ लिटिल एक्स्ट्रा की। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम दीक्षा सिंघी है और मैं गुवाहाटी से हूँ। अ लिटिल एक्स्ट्रा एक ऐसा फन क्वर्की ज्वेलरी ब्रांड है जो क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ हटके चाहिए। अगर आप देखें हमारे ज्वेलरी के डिजाइन आपके ही आसपास के एलिमेंट्स, आपके मूड, ओकेजंस, इमोशन से ही इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, विनीता मैम आज बहुत हॉट लग रही हैं। आप पहन सकती हैं हमारे आग इयररिंग्स। एंड नमिता मैम, अगर नवरात्रि में गरबा खेलने जाना है तो आप पहन सकती हैं हमारे दुर्गा इयररिंग्स। मुझे आज ना अपना कूल रखना था तो मैंने पहन लिए कूल इयररिंग्स। और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट से इंस्पायर होके हमने क्रिएट करे हैं 500 प्लस डिजाइंस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। हम बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ट्राई करते हैं कि उनको थोड़ा मॉडर्न टच दे। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट लगाई थी, बट टुडे वी हैव सोल्ड ओवर 80,000 प्रोडक्ट्स। हमारा विजन ये है कि हम हमारी ज्वेलरी के थ्रू सब कोई ना खुल के एक्स्ट्रा हो सके, एंड इसके लिए हमारी आस्क है 48 लाख फॉर 6% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? दीक्षा, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी इन पिंक। थैंक यू। बहुत सारे ज्वेलरी पिक्चर्स आते हैं शार्क टैग में। करेक्ट। तो आपने कहा इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है आपके ज्वेलरी में? मैम, जो ज्वेलरी ब्रांड्स आ चुके हैं कोई आपके इमोशंस को डिपिक्ट नहीं करता। आज मुझे कूल फील करना था तो मैंने कूल इयररिंग्स पहने। आपने भी जो ज्वेलरी पहनी है वो एक डायमंड, एक स्टोन, उसमें एक डिजाइन होगा बट उसमें एक इमोशन नहीं है। दुर्गा इयररिंग्स आप नवरात्रि में, पूजा में, घर पे कोई कीर्तन है आप उसमें पहनोगे, तो यू नो एवरी टाइम यू विल वेयर दैट, समबडी विल आस्क यू, अरे ये ज्वेलरी कहां से ली? That is the extraness that we bring. दीक्षा, and आप गुवाहाटी से हो, गुवाहाटी को काफी fashion capital बोलते हैं, क्या वहाँ पे सभी आपकी तरह little extra हैं? कैसे इतना culture इतना strong है? मैं असमीज नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ वैसे, but मैं असम में पली बड़ी हूँ। पूरी जिंदगी रहे वहाँ पे? मैं last 10 साल से दिल्ली में हूँ, मैं कॉलेज के लिए। इसीलिए वो आपकी भाषा जो है ना बदल गई है थोड़ी। वो दिल्ली में कौन से कॉलेज में थे? मैं आईपी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। ओके, उसके बाद क्या कॉलेज के बाद? सर, मेरी ना हमेशा से स्टोरी टेलिंग की बहुत मेरे को चाहती है, जिसकी वजह से मैंने जर्नलिज्म और मास कॉम भी लिया था। मेरे पापा मुझे हमेशा से सीए बनना चाहते थे। मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं पसंद थे नंबर्स। आपके पेरेंट्स भी सीए? नहीं, मेरा हस्बैंड सीए है। मेरे पापा में मैं सीए नहीं मिली तो मेरे हस्बैंड को बनवा दिया। तो स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसा लगता है हाँ एजेंसी खोल लो। तो मैंने एक एजेंसी खोली, उसको 3-4 साल रन किया था, बट मुझे वो मजा नहीं आ रहा था काम में। तो ये कब स्टार्ट किया आपने? ये मैंने कोविड के दौरान शुरू किया था, 2020 में। मैं वापस घर गई थी गुवाहाटी। अच्छा। मारवाड़ी खानदान, हमारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन, सिर्फ धंधा। वी वुड गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हम सिर्फ उसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करेंगे। आप भी ये करते हो क्या? हां बिल्कुल यार, फितरत है हमारी। एंड ज्वेलरी से मुझे हमेशा से प्यार था। दीक्षा, मुझे नहीं लगता आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे वो। सॉरी, डरा दिया अमन। ओह वाओ, कितना, लुक एट द बॉक्स विनीत। या इट्स लवली। सो दिस इज अ गिफ्ट बॉक्स एंड दिस इज अ रेगुलर बॉक्स। दिस इज फॉर यू। आर सच मी अ लिटिल एक्स्ट्रा। या लव इट। किस चीज से बनाए? या गिव मी द लव ज्वेलरी। So you can try the football ring. You can see this because we don't have a lot of jewelry for men as of now. But you can see. मैंने गीत के लिए बहुत shopping करी है. Oh ho! Hey, do you like this, Diksha? They're looking so beautiful on you. Oh, it's lovely. You're wearing Durga. I'm wearing Ganpati Bappa. Really pretty, yeah. सारे products आपके handmade ही होते हैं? 90% products हमारे handmade हैं. मतलब we want to come out as a handmade brand only. और कहाँ पे होते हैं ये कारीगर? जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है डिफरेंट जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा टेराकोटा रेंज है वो वेस्ट बंगाल असम से होता है, केन इज असम। जो ये बीडेड वर्क है, अड्डा वर्क है, वो दिल्ली, लखनऊ, यूपी। बट जैसे मैंने बोला था, आई डोंट लाइक योर प्रोडक्ट्स।
आई लव योर प्रोडक्ट्स. यू नो हम वहां जाके देख रहे थे वो दुल्हनिया वाली जो इयररिंग्स है ना, दैट्स सो कूल. इसको तो ओएमजी बहुत पसंद आया. फायर फायर वाला बहुत सॉलिड. आज की तारीख में कितने परसेंटेज डिजाइन आप खुद बना रही हैं और कितने परसेंटेज डिजाइन हमें कोई और ब्रांड में आज नहीं दिखेंगे? 75% डिजाइन जो है विनीता वो आज हमारे खुद के डिजाइन है. 25% डिजाइन अभी भी क्यूरेटेड है एंड दे आर फ्रॉम कैटेगरीज जिसमें हमने अभी तक हम हीरो नहीं हुए. ये बता दो ये गर्ल बॉस कितने का होगा? ये डोनट इयररिंग 350 के. ये 400. सही है, बढ़िया. प्राइसिंग आपकी बहुत 400 रुपीज टाइप्स है तो ये मोस्टली ऑनलाइन के लिए थोड़ा टफ होगा. कैटेगरी ऑफलाइन में ज्यादा जाती होगी ना? वी आर 100% ऑनलाइन. एवरेज सेलिंग प्राइस कितना हुआ? एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 450. या इस साल का जो हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स रहा है उसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो अराउंड 25 रुपीज का है. अगर मैं परसेंटेज में 100 में से 25 तो 75% ग्रॉस मार्जिन. 75% ग्रॉस मार्जिन है हमारा. पैकेजिंग में हमारा 4.5 रुपीज जाता है. रेंट ओवरहेड्स इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस एक्सेट्रा में अराउंड 14. एड स्पेंड हमने बहुत कम करा इस साल तो हमारा प्रोजेक्टेड पूरे साल का अराउंड 6% एड स्पेंड होगा. सैलरीज में 15, शॉपिफाई रेजर पे के कमीशन में 3.5 एंड शिपिंग कॉस्ट इज अराउंड 7. 25 रुपए बन रहे हैं आपके हर 100 रुपए. हाँ जी. आपके रिपीट कस्टमर्स कितने हैं? अराउंड 17-18%. आपका तो लग रहा है नंबर्स आपके पूरे फिंगर टिप्स में है. सीए नहीं बनी लेकिन नंबर्स आप हेट. यस बोल रही है हेट नंबर्स बट देखिए यू आर गुड एट इट. रेवेन्यू और प्रॉफिट बता दो. लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 1.22 सीआर. नॉट बैड. एंड नेट मार्जिन हमारा 11% रहा था. उसके पहले साल हमने 47 लाख किया था और उसके पहले साल हमने 17 लाख किया था. इस साल हमारा हमने अभी तक 1.06 करोड़ कर लिया है. एंड इस साल हम 2 करोड़ पे क्लोज करेंगे बट हमारा नेट मार्जिन इस साल बढ़कर 11% से 25% हो जाएगा. क्यों होगा? सर सो लास्ट ईयर तक ना जैसे कि आपने कहा कि अपने प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी प्राइसी तो हमने और कम रखे थे प्रोडक्ट्स ताकि हम मास में घुस सके. एंड बट वी रियलाइज कि इतने कम प्राइस में ना मार्जिन हमारे लिए नहीं बनेंगे तो हमने धीरे धीरे स्मार्टली क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ जो प्राइस है वो 500 रुपए ही है. इवन दो इट इज 20-30% इंक्रीज बट कस्टमर के दिमाग में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हम लोग ने जो नए डिजाइन भी निकाले हमने इस तरीके से निकाला कि प्राइस हमारी जस्टिफाइड हो और हम थोड़ा इंक्रीमेंट भी रख सके. तो हम लास्ट टाइम तक 3x तक कर रहे थे प्रोडक्ट पे तो इस बार हम 4x 5x ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारा 75% एटलीस्ट ग्रॉस मार्जिन रहे. आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी आ रही है? हाँ जी सर, क्योंकि अभी तो हम लोग ई कॉमर्स में गए नहीं है. ये सारी की सारी सेल हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आई है. तो लग रहा है आपका सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. थोड़ा दिखाएंगे? या श्योर. हाउ मेनी फॉलोअर्स? 199k. गो वायरल ऑन सोशल मीडिया. सबसे वायरल वीडियो दिखाइए. सो आई शो यू द फर्स्ट वन. आप रिलेट कर पाओगे. हमने मारवाड़ी स्मॉल बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो हमने दिखाया कि कैसे लोग ना ऐसे बेकार से गिफ्ट्स देते हैं वेडिंग्स वगैरह में और वेडिंग्स करते हैं लार्ज स्केल में. तो हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने वेडिंग्स पे कैसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हो. आपा मारवाड़ी लोग तो ग्रैंड सी वेडिंग करा बट अपनो गिफ्ट एकदम ही चुख नहीं हो. अरे ठीक है चिंता मत करो. मत आना बहुत ही सुंदर ऑप्शन दिखा. इस ऑप्शन की थारी मासी हो की बुआ सब खुश हो जासी. अगर गिफ्ट में रुपया लगाना ही है तो यांग लोग कुछ दो नहीं कि दो लोग बोले कि तो डिफरेंट गिफ्ट दिए है. यहाँ के लिए ज्वेलरी थाना कटी और देखने को मिल सी वो भी इतना कम बजट में. अब भाईली ने भी गिफ्ट देना हो तो यहाँ के लिए कुछ मॉडर्न सा इयर रिंग्स ऐसा नहीं. और ओलो अपनो चाय को स्टॉल 24 आवर्स होगा तो चाय इयर रिंग्स बने की को नहीं बने. हाँ एक दिक्कत हो सका शायद थारा जमाई हो ज्यादा तो हमारी गिफ्ट की तारीफ हो जाए. बट ठीक है थारी मर्जी आपा ना कहीं करना है. अनुपम ऐसे हंस रहा है कि वो ऐसे रद्दी गिफ्ट ही देता था उसको उसकी हंसी से लग रहा है दिल को छू गया. बट आप कह रहे थे कि आप ऑफन वायरल वीडियोस बना लेते हो इसका क्या राज है? आई थिंक हमारा जो कोर है वी वांट टू कीप आवरसेल्फ रियल ऑथेंटिक. हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी फोटोज पर हम मॉडल करें. हम खुद मॉडल बने. हमारी टीम मेंबर्स मॉडल बनती है. मेरी मॉम मॉडल बनती है. एंड आई थिंक लोगों को वो सबसे ज्यादा पसंद आता है. सही कह रहा हूं क्योंकि देखो क्या होता है ना हमारी जो मार्केटिंग टीम भी है ना जब वीडियो बनाते हैं ना उन्हें लगता है यार ये तो वायरल होने वाला है और फिर वो होता नहीं है. तो वायरलिटी को जज करना बहुत टफ है. बट आपको अगर ये आता है कि आपको आप कह रहे हो कि मेरा ऑफन वायरल होता है इट्स अ स्किल. या नॉर्मली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस होते हैं इसमें कोई सक्सेस स्टोरी है बड़ी? वॉयला जैसे एक ब्रांड है. कैसा कर रहा है? 100 करोड़ का बिजनेस है अभी. आपका व्हाट परसेंटेज इज फैब्रिक जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन? 60% मोस्टली आपका वही है. ओके कोई अंदाजा है आपको फैब्रिक ज्वेलरी का मार्केट साइज इंडिया में क्या होगा या टैम क्या होगा? जो फैशन ज्वेलरी है उसका इंडिया में मार्केट करेंटली 16,000 करोड़ का है.
ये 16,000 crore में से आप जो एरियाज में है वो कितना होगा? I'm not very sure. No? Okay. No. No problem. Thank you. इस इंडस्ट्री में क्यों ग्रोथ नहीं होती? Is it that कि ये ब्रांड बनने से पहले डिवाइड हो जाती है मार्केट? बहुत लोग आ जाते हैं, सेम चीज करने लगते हैं आप। So for us it is not copying, it is content. Content to commerce. Content to commerce. हमने हम मेरे को नहीं पता कोई भी content to brand बना रहे। लेकिन content to commerce brands बनते हैं। कौन सा? Dollar Shave Club बना है। इंडिया में बहुत कम है। Whole Truth Foods ने भी वो strategy try किया। दीक्षा, I will be your customer. मुझे especially दुर्गा earrings बहुत ही पसंद आई। Thank you. But I will not be your investor today. क्योंकि genuinely मुझे लग रहा है कि given the market, इसमें scale to where investor can get an exit, बहुत nascent stage, बहुत early stage है इंडिया में for this kind of business. But I wish you the best and बहुत मजा आया आपकी pitch. Thank you so much, ma'am. Fast fashion के साथ ये fast jewelry भी बन रहा है. Correct. Right. So instead of buying something जो आप एक दो साल पहनोगे, आप 300-400 खरीद रहे हो, एक बार पहनोगे, दो बार कर पहनोगे, Instagram पे फोटो आ जाएगी, उसके बाद आप नहीं पहनोगे. एंड फास्ट फैशन में एक ब्रांड बनाना विल डिपेंड ऑन टाइम टू मार्केट. आप कितनी जल्दी कितनी डिजाइन निकाल सकती हो Correct. और कितनी जल्दी उसको क्लियर कर सकती Correct. हो. तो आपका टाइम टू मार्केट क्या है? सर, टिपिकली हमारे को डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक 45 डेज लगता है. बहुत है. एंड दिस कैन बी इजिली रिड्यूस टू 7-8 डेज. हाँ जी, तभी बनेगा धंधा. दैट्स व्हेन यू विल बिल्ड अ ब्रांड 100%. एंड इसी के लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग इनहाउस नहीं है. मेरे पास फ्रीलांस डिजाइनर्स के साथ मैं काम करती हूँ, तो मेरा टैग जो है वो बहुत ज्यादा है. वी वांट टू ब्रिंग डिजाइन्स एवरी वीक. इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर, इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी तक हम ई कॉमर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ना हम नायका में ना हम मिंत्रा पे. हमारा फर्स्ट स्टेप अभी ये है कि हम ऐसे हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारी ज्वेलरी और हमारा ब्रांड हम और ज्यादा फेमस हो सके. सेकेंड, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है. अभी हम सिर्फ 10% ऑफ आवर सेल्स इंटरनेशनली कर रहे हैं. दिस कैन बी इजीली इंक्रीज टू 30-35%. तो बहुत इजीली बढ़ सकता है. आज के दिन में आपके कैप टेबल में कौन कौन है? 100% सेल्फ मेरी ओनरशिप है. सीए साहब इज डूइंग सीए. मुझे लगता है जो आपका 2 crore का बिजनेस है, अगर ये आपने 100 crore बना लिया, मुझे लगता है ये रीजनेबली अट्रैक्टिव बिजनेस है. उसमें 25 crore का नफा बनेगा. तो उस कारण से आज मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ. आपके साथ मुझे पता है आप नेगोशिएशन जीतना मुश्किल है, तो उससे मैं नेगोशिएट आपसे करना नहीं चाहता. आपका जो प्रपोजल था 48,06% के लिए, मैं उस सेम ऑफर आपको देने के लिए तैयार. दीक्षा, इस कैटेगरी में वैल्यूएशंस बहुत डील्स देखी है मैंने. 3 times मल्टीपल ऑफ सेल्स से ज्यादा एट एनी स्टेज नहीं होंगे. तो अगर आप फर्स्ट राउंड लेंगी एट 4 times ऑफ ARR जो आपकी आस्क है, विच इज 8 crore, तो बाद में ये मल्टीपल है ये कंप्रेस ही होता जाएगा, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 48 lakhs फॉर 8%. आई एग्री विद विनीता एंड आई विल जॉइन इफ शी इज ओके. मुझे लगता है हम काफी हेल्प कर सकते हैं आपकी. थैंक यू सो मच अमन. आई वुड आल्सो लाइक टू हियर योर. आप रॉयल्टी दोगे? नॉट माय फर्स्ट इंक्लिनेशन. काहे? DNA सर. मारवाड़ी समझ सकते हैं. क्योंकि रॉयल्टी से क्या होता है ना, हमारा थोड़ा सा सिक्योर भी हो जाती है इन्वेस्टमेंट. सर, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना होता है. माय गॉड. आ जाओ सर. नहीं यार, मेरे को बस ये लग रहा है कि मैं एग्जिट नहीं ले पाऊंगा इस कैटेगरी से. मेरे पैसे कैसे बनेंगे? यू विल गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. मैं ये बोल सकती हूं. शुरुआत ही किया था आपने उससे. विनीता, आप कैसे सोच रहे थे इससे रिटर्न लेने की? 2-3 साल में जो अपैरल में क्रेज आया था, विमेन्स अपैरल में, जहां एक्सेलरेटर्स जैसे थ्रेसियो टाइप्स अक्वायर कर रहे हैं, फंडिंग एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर ब्रांड बन सकता है. एंड ब्रांड बनने के लिए आई थिंक वो जो 100 crore वाली थ्रेशोल्ड है ना, वो अपने आप ही पार करनी पड़ेगी. उसके पहले तो मुझे लगता नहीं है फंडिंग आएगी. अगर कर लिया तो then there is an opportunity, because she'll be the only one in this category who's at that 100+. घोर समस्या है. I'll also give you 48 lakhs for 6%. तो हम दोनों जुड़ी कर देते हैं. दीक्षा, एक ऑफर है 48 lakhs 6% के लिए. हम दोनों अभी 7 आ रहे हैं, तो आपके पास अभी 2 ही ऑफर हो गए. एक हो गया विनीता और अनुपम का 48 फॉर 8%,
एक मेरा और अमन भाई का 48 for 6%। क्या हमें आपको एक अल्टरनेटिव ऑफर देते हैं? 60 lakhs for 8%। वैल्यूएशन आसपास है, थोड़ा ज्यादा पैसे। Can I give you a counter offer? बोलो। One would be obviously अगर आप चार हो आ सको। For the same valuation, 48 lakhs for 6%, and or if you want to increase the amount. Otherwise, I would want to go ahead with Anupam and Vinita's offer. Fantastic. At 8 crore valuation. 8 crores at 48 lakhs. तो कितना? 48 lakh 8 original offer. तो कितना हो गया? 6%. और उसमें हम अगर 60 लाख कर दें तो आपको, is that okay? That is okay. Okay. So दीक्षा, final deal है, मैं और अनुपम आ रहे हैं, 60 lakh 7.5%. Deal पक्की. Thank you. Congratulations. Thank you. Good products, bad sharks. Sorry. Bad sharks? Sorry. They're amazing sharks.